मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्लान हमारा 20x25 का है, जहाँ पे 20 इसका फ्रंट है और 25 फीट इसकी गहराना है। दो फ्लोर का प्लान है जिसमें कि हम लोगों ने कार पार्किंग, गेस्ट रूम और दो बेडरूम दे रखे हैं। दो फ्लोर का प्लान है। आजकल छोटे प्लॉट में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो है प्लॉट रेट तो वही रहता है लेकिन दाम कम हो जाते हैं, और साथ के साथ आप कंस्ट्रक्शन उस पर करवा के बड़ा उसका अपने साइज़ के हिसाब से बनवा सकते हैं मल्टी स्टोरी में। तो ये हमारा, हम लोगों ने इसको कार पार्किंग के साथ दिया है। तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा कार पार्किंग का ये एरिया जो है 9x19 फिट 9 इंची का है। आराम से आप जितनी भी बड़ी गाड़ी खड़ी करना चाहें उतनी बड़ी गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी। फिर जो है बगल में हम लोग ने, ये हमारे सौरभ शुक्ला जी का प्लान था, तो उसमें हम लोग गए थे तो सामने की तरफ दुकान दे रखा है। आप इसको चाहें तो आप गेस्ट रूम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। पीछे की तरफ हम लोग ने एक वॉशरूम दे रखा है, एक स्टोर रूम दे रखा है, और यहीं से हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। ये हमारा स्टेयर केस है जो कि ऊपर की तरफ हम लोग को जाता है और फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में हम लोग ने आगे दो कमरे दे रखे हैं जो कि 9x12 के हैं और 10x12 के हैं। एक छोटी सी लॉबी मिल जा रही है जो कि 11x5.5 की है। वहाँ पर OTS भी खुला हुआ है। किचन आपको 7.5x6 की मिल जा रही है। वॉशरूम आपको 4x6 का मिल जा रहा है। इतना सब कुछ आपको एक छोटे से प्लॉट में आपको मिल जा रहा है। आगे की तरफ हम लोगों ने 3 फीट की बालकनी एक्सटेंड की है, और साथ के साथ वास्तु के हिसाब से ये जो है हमारा बना हुआ है जो कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में हम लोग का फेसिंग है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से साउथ में क्यों नहीं घर लेना चाहिए? साउथ में क्या होता है कि जब हमारा सूरज ईस्ट से वेस्ट होता है तो साउथ की तरफ से ही होके जाता है, तो साउथ की तब धूप बहुत ज़्यादा जाती है। तो 10 से लेकर शाम के 3 बजे तक इंफ्रारेड और गामा रेज जो है उसकी बहुत ज़्यादा रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हार्मफुल होती हैं आपके शरीर को। उससे बचाने के लिए जो है, उससे बचने के लिए हम साउथ का फेसिंग का मकान प्रीफर नहीं करते, या अगर साउथ की तरफ प्रीफर भी करते हैं तो साउथ वेस्ट का कोना जो है हमेशा ढक के ही रखना चाहिए, जिससे कि जो रेज आ रही है वो हमेशा जो है ढकी रहे। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों हम लोग को साउथ का मकान नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ के साथ जो है आप इसको जो है लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।